तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग होती है जैसे जो भी हमारे ये नंबर टैब के अंदर होता है, इसके अंदर, इसको नंबर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इसका टैब भी इसलिए नंबर के नाम से। पहला फॉर्मेट होता है जनरल, जनरल को जो बाय डिफॉल्ट रहता है, आप कौन सा फॉर्मेट अप्लाइड है वो आपको यहाँ पे भी दिखाता रहता है, ठीक है। जनरल फॉर्मेट अप्लाइड है, पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे भी अवेलेबल है। जनरल फॉर्मेट ऑटोमेटिक फॉर्मेट होता है आपका, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू अपने उसमें बदल जाती है, जैसे नंबर नंबर की तरह डील होते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट की तरह डील होते हैं, डेट डेट की तरह डील होती है, ठीक है। डेट पढ़ते ही अपने आप ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, तो जनरल जनरल ही होता है। जो बाय डिफॉल्ट आपकी शीट रहती है, सेल रहती है, वो जनरल फॉर्मेट में रहती है। दूसरा है उसका नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर नंबर में क्या होता है, आपके पास ये सैंपल बॉक्स है जिसके अंदर आपको दिखता है कि आपने कौन सा फॉर्मेट अप्लाई कर रखा। अभी इसमें दिखा रहा है डबल डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस जैसे आप तीन डेसिमल प्लेस तक करना चाहते हैं तो तीन तक कर सकते हो, उसके बाद तीन डेसिमल प्लेस आ गए। इसी में होता है यूज थाउजेंड सेपरेटर, अगर आप इसको क्लिक चेक कर देंगे तो थाउजेंड की वैल्यूज से पहले कॉमा लग जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं इसके भी 1000 से पहले कॉमा लग गया, इस तरह से दिखाएगा ये आपको, कॉमा लगा देता है। और होता है इसमें नेगेटिव नंबर्स, कि आप नेगेटिव नंबर्स को कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है कि ब्लैक में आपको माइनस करके आगे दिखाएगा, अगर आपको इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव नंबर्स जो है, माइनस वाली वैल्यू जो है वो रेड में दिखाएगा, यहाँ रेड में दिखाएगा, माइनस का साइन नहीं दिखाएगा। दूसरा है वो ब्लैक ही में रहने देगा, बट आगे ब्रैकेट फिट कर देगा, आगे ब्रैकेट में दिखाएगा नेगेटिव वैल्यू। अगला वाला फॉर्मेट जो है वो आपका ब्रैकेट में भी कर देगा और वैल्यू को रेड भी कर देगा, इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव नंबर्स का जो होता है इस तरह से होता है। उसके बाद करेंसी है, करेंसी में डेसिमल प्लेसेस और नेगेटिव नंबर सेम होते हैं, कौन सी करेंसी आप यूज करना चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए डॉलर यूज करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हर करेंसी के सिंबल होते हैं, अगर नहीं हूं तो फॉन्ट उसका डाउनलोड करेंगे तो इसमें सिंबल भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने डॉलर का सिंबल ले लिया, तो डॉलर का सिंबल इसमें मैंने ले लिया, ठीक है जी। तो इसमें एक करेंसी फिट कर देता है सामने, इस वैल्यूज को मैं जनरल फॉर्मेट में इधर रखूंगा। करेंसी में आपका डॉलर का आइकॉन आ जाता है, उसी की तरह ही अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में दो चीजें आपके पास डेसिमल प्लेसेस है वैसे ही और सिंबल्स है, बट इस सिंबल और इसमें क्या फर्क है। मान लीजिए इसमें मैं डॉलर का अप्लाई कर देता हूँ, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में क्या होता है कि ये जो डॉलर होते हैं आपके अलाइंड आते हैं, जो भी आइकॉन आते हैं, जैसे यहाँ पे अलाइंड नहीं है, डॉलर एक सीध में नहीं है, यहाँ पे एक सीध में ही चलता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स में। दूसरा जीरो को ये ऐसे डैश की तरह से दिखाएगा आपको, जीरो का फिगर को डैश की तरह से दिखाएगा, ठीक है जी। यहाँ सिर्फ जीरो पड़ा होगा तो इसमें आपको जीरो दिखाई देगा, इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है जी। देन अपने पास डेट का फॉर्मेट है, डेट के फॉर्मेट को देखिए, मैंने यहाँ पे डेट एंट्री किया, ठीक है जी। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप चेंज करना चाहें किसी डेट का तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है, मतलब इसमें मंथ पहले है, डे बाद में है, ईयर उसके बाद में। दूसरा फॉर्मेट है जिसके अंदर आपको डे नेम भी बताता है कि वेडनेसडे थर्सडे क्या है उसके अंदर, फिर मंथ का नाम पूरा आता है, बीच में डे और चार डिजिट में ईयर, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है जी। आपको दिखाना है कि आगे मंथ हो और पीछे डेट हो, खाली इस तरीके से दिखा सकते हैं, ईयर नहीं चाहिए, साफ में ईयर चाहिए तो ये वाला फॉर्मेट पहले ही यूज कर देते हैं। देन खाली इस तरह से आपको दिखाना है कि जो मंथ नेम है एब्रिवेशन में आ जाए डेट के साथ, तो ये फॉर्मेट है, ईयर नहीं होगा इसमें, ईयर के साथ चाहिए तो यहाँ पे ईयर के साथ भी है।
तो इस तरह के कई फॉर्मेट जो है डेट के लिए दिए हुए हैं। नीचे तक आप देखेंगे खाली मंथ नेम और ईयर, दो डिजिट में ईयर चाहिए तो उसी डेट से आपको शो कर सकते हैं। ठीक है जी, एम जो है खाली मंथ का इनिशियल बताएगा, जैसे नवंबर है एन बता देगा, इसी से कोई भी डेट एंटर करेंगे तो उनका मंथ का इनिशियल बताएगा। ठीक है, मंथ का इनिशियल डबल डिजिट में ईयर। तो इस तरह से आप डेट के फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास टाइम का फॉर्मेट होता है, टाइम डाला मैंने, टाइम के कैसे फॉर्मेट होते हैं हमारे पास अलग अलग होते हैं। पहला जो फॉर्मेट एप्लीकेबल है वो है एएमपीएम में, यानी कि 12 घंटे का फॉर्मेट है। ठीक है जी, अगर आप इसको 24 घंटे का फॉर्मेट चाहते हैं तो मैं इसको 13:30 के फॉर्मेट यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये 24 घंटे के फॉर्मेट में दिखाएगा, एएमपीएम नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, सेकेंड्स दिखाने 24 घंटे के फॉर्मेट में या 12 घंटे के फॉर्मेट में सेकेंड दिखाने, तो आपके पास ये फॉर्मेट। एक और फॉर्मेट इन सब के अलावा यूज होता है कि मान लीजिए आपका जो टाइम है वो 24 घंटे से एक्सीड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पीएम नहीं है और यहां मैं डाल देता हूँ 35 आवर्स। ठीक है जी, तो उस फॉर्मेट में क्या दिखा रहा है, मुझे कुछ और दिखा रहा है, वो आपका लेगा नहीं क्योंकि 24 घंटे के बाद फिर वो 1, 2, 3, 4 चालू कर देगा। तो इसके लिए अपने पास 30, 55 और 37, ये आपका 37-30 का फॉर्मेट है, सबसे लास्ट वाला 37-30 का फॉर्मेट, इसको अप्लाई कर देंगे तो ये आपका 24 घंटे के बियॉन्ड दिखाएगा। अब देखिए दोनों डेट के और इस फॉर्मेट में फर्क क्या होता है। अभी जैसे ये डेट का फॉर्मेट है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में बदलू तो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिखा रहा है, 41952। और अगर मैं टाइम को बदलू जनरल फॉर्मेट में तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, डेसिमल्स के बाद कुछ नंबर। एक फॉर्मूला जो है हमारा नाव का, जो हमें डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो ये मुझे नंबर दिखाता है और वही नंबर जो डेट के आगे है, और ये जो टाइम है ये टाइम वाली वैल्यू पॉइंट के बाद में वही दिखाता है। ठीक है जी, बेसिकली हुआ क्या है कि ये इसका जवाब है, एक तारीख हम लिखते हैं, एक लिखते हैं और इसको डेट में बदल देते हैं, डेट के फॉर्मेट में। ये आपको यहाँ वैल्यू दिखाएगा 1 जनवरी 1900, तो ये डेट जो है 1900 से एक जो है 1 जनवरी 1900 को मानता है। ठीक है जी, आगे कुछ भी करेंगे 36 मान लीजिए, कर दिए 1900 था तो मैं क्या करता हूँ 366 दिन कर लेता हूँ, तो 31 दिसंबर 1900 इसको मैं कर देता हूँ 367, 1 जनवरी 1901 आ गया। तो मतलब ये तब से दिन गिनता गिनता इस नंबर पे पहुंचा है, मतलब 1 जनवरी 1900 से आज तक 41,952 दिन हो चुके। ठीक है जी, तो ये नंबर्स की फॉर्म में ही लेता है इसको, तभी हम ये पॉसिबल है हमारे साथ कि हम नंबर में कुछ भी जोड़ घटा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ू तो एक दिन, और इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दू तो एक दिन आगे की डेट दिखा देगा मुझे। ठीक है, 2 दिन आगे की दिखा रहा है, 11 नवंबर, यहाँ डेट क्या थी 9 नवंबर, तो 2 जोड़ के दिखा दिया। तो प्लस माइनस हम डायरेक्टली डेट में कर सकते हैं। ठीक है जी, बट अगर आप टाइम में जोड़ लें, ये जो हमारा टाइम है अगर इसमें मैं 1 जोड़ दू तो इसका मतलब होगा 1 दिन आगे हो गया। ठीक है जी, 2 point something, तो आगे की जो वैल्यूज होती हैं वो डेट के लिए प्रोसेस होती है और डेसिमल से पीछे वाली वैल्यूज जो होती है वो टाइम के लिए प्रोसेस होती है। ठीक है, अब डेट टाइम को वैसे कैसे डील किया जाएगा, मान लीजिए मुझे किसी टाइम में, अब जैसे यही टाइम था मेरा,
जिसमें मुझे एक घंटा जोड़ना है, तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाऊंगा कैलकुलेशन के तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसमें सीधा सीधा प्लस करता हूं तो डेसिमल की वैल्यू वही दिखाएगा, क्योंकि एक घंटे एक इसका मतलब है 24 घंटे, ठीक है जी, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है सीधा सीधा। तो क्यों ना मैं इसको क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं 24 से, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर दूंगा तो वो डेसिमल्स में एक घंटा बन जाएगा, आ गया, जुड़ गया, एक घंटा बन गया, ठीक है जी। इसी तरह से मान लीजिए मुझे मिनट जोड़ने हैं इसके अंदर, तो मिनट के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें मुझे मिनट जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 मिनट से, तो आप देखेंगे कि इसमें मैं 2 मिनट जोड़ पाऊंगा जो वैल्यू आएगी। इसको सही तरह से ब्रैकेट कर दो, क्योंकि बॉड मास की थ्योरी में कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ कर सकती है। अब इस वैल्यू को मैं टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 6:17 की जगह 6:19 आ गया, 2 मिनट जोड़ चुके। इसी तरह से मान लीजिए आपको 2 सेकंड जोड़ने हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय इसको 60 कर दीजिए, और 24 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है जी। तो इसमें सेकंड्स भी जुड़ गए होंगे, उसके लिए मैं मेरे को इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, टाइम में मैं इसका फॉर्मेट सेकंड में कर देता हूँ ताकि हम देख पाए क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डेट टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी हम कैलकुलेट डेट टाइम की कैलकुलेशन के बारे में एक और सेशन लेंगे जब इसका डेट टाइम का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, टाइम का हमने देखा, परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज में क्या होता है, जो भी आप नंबर डालते हैं और उसको जब परसेंटेज के फॉर्मेट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका डेसिमल प्लेसेस भी मांगता है, चाहे तो दे सकते हैं और नहीं तो वैसे ही ओके कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 जो डाला था वो 100% बन गया, ठीक है जी, 100% मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो गया परसेंटेज। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, अगर मैं वैल्यू चेंज करूं 25% ही रहेगी, 50% रहेगी, 10% रहेगी, बट एक्चुअल में क्या है वैल्यूज हैं, जब जनरल में करता हूं तो 0.25, 0.5, 0.1, तो इस चीज का ध्यान रख के इनको ट्रीट करें कभी, ठीक है जी। कि अगर आप वैसे वैल्यू अगर जनरल फॉर्मेट में है, तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंटेज में जाके 100 से मल्टीप्लाई होने दिखाने वाली है, बट इसकी वैल्यू यही रहेगी जो एक्चुअल है, ताकि आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं नॉर्मली, जैसे 12 में 2 करेंगे तो 24 रिजल्ट वही आएगा, ठीक है जी। जो भी नंबर फॉर्मेट्स हम देख रहे हैं, वैल्यू की विजिबिलिटी चेंज करते हैं, वैल्यू को नहीं चेंज करते, वैल्यू वही रहती है, ठीक है जी, खाली विजिबिलिटी चेंज होती रहती है, एक्चुअल वैल्यू वही रहेगी जो जनरल फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। देन फ्रैक्शंस को हम यूज करते हैं, मान लीजिए हमें 0.5 है, 0.25, अब इनको उस फॉर्मेट में दिखाना है जैसे 1/2, 1/4, तो इसको फ्रैक्शंस में हम दिखा सकते हैं, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, 1/2, 1/4 इस तरह से फ्रैक्शंस में, और 2.5 डालूं तो 2 सही 1/2, इस तरह से आपको फ्रैक्शंस में दिखाएगा वैल्यू, ठीक है जी, नंबर फॉर्मेट है फ्रैक्शंस का भी। देन हमारे पास है साइंटिफिक, साइंटिफिक को नहीं छेड़ेंगे, साइंटिफिक ई वगैरह में चेंज करता है अपने कोई काम करने में, मान लीजिए इसको मैं साइंटिफिक में कर दूं तो फिर ये आपको ई करके कुछ लॉग वाली सीरीज दिखाता है, ठीक है जी, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह में लगा।
देन टेक्स्ट का आया हमारे पास फॉर्मेट। टेक्स्ट का क्यों यूज करते हैं हम, मान लीजिए आपने आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं चेक नंबर्स में, इसका एग्जांपल ज्यादा लेते हैं तो ये जिस तरह से मैंने बताया था कि अपोस्ट्रोफ का साइन डाल के हम एंटर करते हैं, ठीक है जी। अब चाहते हैं कि मेरे को टेक्स्ट ही एंटर करना है, चाहे जीरो आगे एंटर करूं कोई फर्क ना पड़े, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे ये करना चाह रहे हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये एरिया टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है तो इसमें आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, कोई भी आपको अपोस्ट्रोफ लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली एंटर करते चले जाते। इवन यहाँ पे अगर आप फार्मूला भी लगाते हैं तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर फार्मूला आपका इस तरह से दिखा रहा है एंटर करने के बावजूद, तो समझ लीजिए वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ देख सकते, ठीक है जी। इसके लिए इसे जनरल में करके तब रिकैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है जी। जनरल में कर तो हमने टेक्स्ट तक के देखे, टेक्स्ट तक बाद में कुछ स्पेशल है, इन स्पेशल को हम छोड़ के कस्टम पे चलते हैं, क्योंकि स्पेशल में कुछ खास है भी नहीं, फोन नंबर सोशल सिक्योरिटी नंबर, कस्टम में हम वो सारे बना सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने चेक नंबर डाले थे, ठीक है, यहाँ डाले थे मैंने कुछ चेक नंबर, इस तरह से मैंने कुछ चेक नंबर डाले और मैंने कहा था कि एक एरर दिखाता है और यहां से कन्वर्ट नंबर में से क्लिक होगा, ठीक है। अब आगे वाले जीरो चले गए, अब वापस इसको वैसा करना है तो कैसे करेंगे, सर कोई आइडिया है इसके बारे में कैसे करेंगे वापस से वो जीरो लगाना, कस्टम में जाके वहां पर जीरो जीरो वाले को सेट करेंगे, कस्टम में जाएंगे आप और यहाँ पे सिक्स टाइम जीरो कर लेंगे, ठीक है, सिक्स टाइम जीरो दे दिए तो ये जीरो वापस आ जाएंगे, पर ये जीरो ये वैसे नहीं है जैसे उसमें हुआ था, उन वैल्यूज में इस तरह से था। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको जीरो दिखाई देता है, बट इन वैल्यूज में देखेंगे तो जीरो नहीं दिखाई देगा, खाली आपको ऊपर से दिख रहा है। तो ये कमाल होता है नंबर फॉर्मेटिंग का, कस्टम फॉर्मेट्स का, इसका एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से होने के कारण अगर मैं इसमें कोई फॉर्मूला भी लगा दूं तो ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा, फॉर्मेट वही अप्लाई होगा, ठीक है जी, कैलकुलेशन का रिजल्ट मुझे करेक्ट दिखाएगा, ठीक है जी। ये कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसी तरह की कैलकुलेशन रुपीस वगैरह के साथ नहीं लगा देते, मान लीजिए आरएस करके या मैंने कुछ भी यूनिट हम लिख देते हैं यू वन, ठीक है जी, और यू वन करके कोई कोड दे दिया और फिर नंबर लिख दिया, तो ये आपस में इसी तरह से मैं इसको इनको प्लस कर सकता हूँ। अगर मैं उसको कस्टम में साथ दूं तो अभी दिखाता हूं कैसे, पहले मैं ये बताता हूं कि ये जीरो का माजरा क्या है। जीरो का आपको पता है कि जीरो क्यों लगाया मैंने, मतलब इसका यूज क्या है, क्या कर रहा है जीरो यहाँ पे कस्टम के अंदर। जीरो एक्चुअली में एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है जी, एक कैचिंग डिवाइस की तरह, ठीक है। और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर सेल के अंदर डिजिट होगी तो वो उतना फिल कर देगा, अगर नहीं होगी तो वहां वो जीरो दिखाएगा, ठीक है जी। तो मैंने छह बार जब जीरो डाला है तो जितनी डिजिट थी उसने उठा ली और जो नहीं थी उसकी जगह पे जीरो प्लेस कर दी, इसकी ये प्रॉपर्टी है,
ठीक है जी। अब इस तरह से मुझे क्या करना है, मोबाइल नंबर जैसे एंटर करते हैं हम लोग तो कंट्री कोड लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, इसके आगे +91 लगाना है, हर नंबर के आगे +91 लगाना है, ठीक है जी। इस तरह से लिखते हैं मुझे नंबर, तो या तो टेक्स्ट में लिखूं, इजीएस्ट वे चाहिए मुझे कि इस तरह से नंबर आना चाहिए। मैं क्या करूंगा इसमें वो फॉर्मेट लगा दूंगा, नंबर इसमें क्या करूंगा +91 मैंने लिख दिया, बाद में स्पेस चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे 10 times 0 देता हूँ, 10 times अगर 0 देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ ठीक आ गया, पर जब मैंने कम नंबर एंटर किए तो क्या कर रहा है ये, बाकी को 0 के साथ फिल कर दे रहा है, ठीक है जी। कोई भी नंबर 0 के साथ आपका फिल कर देगा, ठीक है जी, 0 के साथ फिल कर देगा। तो ये चीज तो चाहिए नहीं हमें, इसकी जगह पे जब हम चाहते हैं कि काम वैसा ही करे और 0 के साथ फिल ना करे, तो उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं हैश। हैश भी इसी तरह से डिजिट का ही प्लेस होल्डर है, ठीक है जी। देखिए इसमें अभी मैंने हैश भी क्यों लगाया, 0 भी क्यों लगाया, +91 यहां सीधे सीधे लिखा था, अगर मैं यहां हैश नहीं लगाता तो क्या आता, +91 आया। मैंने इसमें एंट्री किया 500, ठीक है जी, पर ये मुझे +91 दिखा रहा है, अंदर की वैल्यू 500 है, यहाँ +91 दिखा रहा है। तो जब तक मैं यहाँ पे, यहाँ सैंपल में देखिए, जब तक यहाँ पे 0 या हैश नहीं लगाता हूं तब तक ये उस वैल्यू को लेके नहीं आता जो सेल में डली होती है, ठीक है जी। उस सेल को दिखाने के लिए मुझे वो डालना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे हैश लगाया मैंने ताकि कोई दिक्कत ना करे। अब जैसे मीटिंग आईडी भेजता हूँ 9 digit की होती, बीच में डैश डाल, तो उसके लिए क्या कोड बनेगा मेरा, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली डैश इंसर्ट हो जाए। तो जैसा मैंने कहा ये डिजिट को कैच करते हैं, एक हैश एक डिजिट को कैच करेगा, एक 0 एक डिजिट को कैच करेगा, अगर नहीं होगा तो बाकी डिजिट उसके आगे पटक देगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ 3 बार हैश दबाता हूँ, बीच में डैश, 3 बार हैश, बीच में डैश, फिर 3 बार हैश। इसका मतलब है जो 9 digit यहाँ पड़ेंगे वो पीछे से स्टार्ट करेगा, 3 digit यहाँ लेगा, उसके बाद डैश इंसर्ट कर देगा, फिर उसके आगे की 3 digit लेगा, फिर डैश इंसर्ट कर देगा, फिर उसके आगे की 3 digit लेगा और डैश इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, तो उसमें डैश इंसर्ट हो गए, छाट लिया, उनको पता था कि हमने क्या करना है, 3 digit के बाद हैश लगाना है। तो मान लीजिए कि वैल्यू जो है 10 digit से ज्यादा चली जाए, 9 digit से ज्यादा चली जाए, ठीक है, ये क्या करेगा, बाकी वैल्यू को आगे पटक देगा, पीछे से काउंट करेगा, 3 3 3 अलग करता हुआ चला आया और लास्ट में वैल्यू उसने आगे ही रख दी, छोड़ दी, ठीक है जी। ये इनका काम होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई भी, इन सबको तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। टेक्स्ट में क्या करना होता है, मान लीजिए टेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमें कोई कंपनी के नाम डालने हैं या वेंडर्स के नाम डालने हैं, तो कुछ वेंडर्स के नाम डाले मैंने, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इनके आगे मैसर्स अपने आप लिखा आ जाए, मतलब मुझे डालना ना पड़े, मैं कंपनी के नाम डालूं और मैसर्स लिखा आ जाए। कस्टम में क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ता है, इसके अंदर भी नंबर डायरेक्टली दे सकते हैं। तो m/s लिख दिया मैंने, मैसर स्पेस भी दे दिया, क्योंकि स्पेस नहीं दूंगा तो स्पेस आएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट का प्लेस होल्डर चाहिए, वो जो मैंने आपको हैश और 0 दिखाया वो था नंबर का प्लेस होल्डर। तो टेक्स्ट का प्लेस होल्डर है @,
ठीक है जी। जब आप एट द रेट लगा देंगे उसके बाद, तो मतलब टेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका, ठीक है जी। अगर मैं इस एमएस से पहले एट द रेट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट इससे इसके पहले भी आ जाएगा, मतलब एक ही एंट्री की है वो आगे भी आ गया पीछे भी आ गया। तो एट द रेट को जितनी बार यूज करेंगे वो उतनी बार उसका टेक्स्ट का डेटा कॉपी कर देगा, ठीक है जी। वैल्यू असल में वही रहेगी जो आपने डाली है, पर दिखाएगा कुछ और, ठीक है जी। हालांकि आपको लेंथ में भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ के लिए अपना एक फॉर्मूला होता है लेंथ का। तो अगर मैं इन दोनों की लेंथ चेक करूं, पहले इसकी कर लेता हूं, तो दोनों की 13 ही मिलेगी, जबकि डिजिट यहां ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है जी। डिजिट कितनी है वो काउंट करके बता, ठीक है जी। तो इससे यह साबित होता है कि खाली ऊपर से दिखाने के लिए, टेक्स्ट के लिए ये है अपना। टेक्स्ट के लिए एक और होता है, हम जैसे एक्सेल में फॉर्म बनाते हैं, मान लीजिए नेम डाल के फिर अंडरस्कोर डालते जा रहे हैं, इस तरह से फॉर्म के लिए करते हैं ना। तो इसमें टेक्स्ट का क्या है, रिपीट करना है मैंने, ये अंडरस्कोर ही रिपीट करना है, मान लीजिए कहां तक करना है, कॉलम की विड्थ तक, क्योंकि फॉर्मेट इसमें बिगड़ते रहते हैं, मैं सेट करना चाहता हूँ कि कॉलम की विड्थ तक आ जाए। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मैंने कहा कि पहले क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए जो भी था, फिर स्टार। स्टार क्या करता है, रिपीट करता है चीजों को, जो भी इसके बाद डालेंगे, मैंने अंडरस्कोर डाला तो अंडरस्कोर कॉलम विड्थ तक रिपीट कर देगा, यहां तक रिपीट हो चुका है। तो जितना कॉलम फैलाएंगे उतना ही आपका दिखाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है, तो इसको फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो फॉर्मेट प्रिंटर लाके मैं डालूंगा तो उसमें भी यही दिखा, ठीक है। ये सब इन्हीं फॉर्मेट्स के साथ भी है, इन सब के फॉर्मेट्स के साथ भी सेम चीज है। कोई कस्टम बनाए आप खुद से, उसको भी फॉर्मेट प्रिंटर से कर सकते हैं, चाहे ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है इनको, ठीक है जी। तो इनसे कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं, टेक्स्ट का इतना ही है, डेट को देखते हैं। डेट के लिए क्या है हमारे पास, तो जैसा मैंने एक डेट डाली, ठीक है जी, इसमें मंथ पहले है, डे बाद में, ईयर बाद में। तो कस्टम में मैं जाता हूं, आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट यहां पे भी दिखा देगा क्या अप्लाइड है। अगर आप डी दबाते हैं एक बार तो सिंगल डिजिट में आपको डे दिखाएगा, ठीक है जी, पीछे डेट ही पड़ी हुई है। दो बार डी दबाते हैं तो डबल डिजिट में डे दिखाएगा, डबल डिजिट होगा 9 का 09 होगा। तीन बार डी दबाएंगे तो एब्रीवेटेड डे नेम दिखाएगा, संडे मंडे एब्रीवेट। चार बार डी डालेंगे तो फुल डे नेम आएगा, ठीक है जी। चार बार तक डी डाल सकते हैं आप, उसके बाद मंथ एम डाला मैंने तो मंथ दिखाएगा सिंगल डिजिट में, 11 है डबल डिजिट है तो वो दिखाएगा, नहीं 9 जैसे 1 2 3 होता तो खाली 1 2 3 mm में डबल डिजिट में दिखाता है, कोई वो नहीं। तीन बार एम डालेंगे तो एब्रीवेटेड मंथ नेम आ जाएगा, चार बार एम डालेंगे तो फुल मंथ नेम आ जाएगा, पूरा नवंबर लिखा हुआ होगा। पांच बार डालेंगे तो एक इनिशियल आ जाएगा इसका, ठीक है जी, मंथ का इनिशियल आ गया, मंथ के लिए इतना है। देन ईयर के लिए, ईयर के लिए दो फॉर्मेट है, बाई बाई या तो डबल डिजिट में दिखाएं या मतलब फोर डिजिट में दिखाएं, चार बार बाई डाल दीजिए, ठीक है जी, तो फोर डिजिट में दिखा रहा है, डबल डिजिट फोर डिजिट, ठीक है। अब मुझे डेट बनानी है कोई सी, पहले मैं चाहता हूं कि मेरा फुल डे नेम आ जाए, जैसे हम बनाते हैं तो डी 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 संडे आ गया, देन मैं कहता हूं कि कॉमा आ जाए, ठीक है जी, उसके बाद एक स्पेस आ गया। अब मैं चाहता हूं इसमें एब्रीवेटेड मंथ नेम आ जाए,
मंथ नेम आ गया, फिर डैश आ जाए, फिर मैं चाहता हूँ कि डबल डिजिट में डे आ जाए, डीडी दोबारा कर दिया मैंने, कितनी बार भी इनको यूज कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं चाहता हूँ कि इक्वल टू आ जाए और फिर उसके बाद चार डिजिट में ईयर नेम आ जाए, तो चार बार वही कर दू, तो जैसा फॉर्मेट चाहे वो वैसा आप बना सकते हैं, पीछे की वैल्यू वही रहेगी, आगे आप चाहे जैसा मर्जी एडिट कर दें, चाहे इसको ऐसे कर दें डीडी एमएमएम वाई वाई, ठीक है जी, नॉर्मल डेट फॉर्मेट होता है, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डेट को आप कर सकते हैं, इसी तरह से आप टाइम को बदल सकते हैं, टाइम के लिए भी यही सब चीजें हैं। टाइम के लिए अब दिखाता हूँ, टाइम के लिए क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे एच मतलब आर्स, ठीक है जी, आर्स दिखाने के लिए कॉलन एम, ठीक है, इसमें ये है कि आपको अगर मिनट दिखाने हैं तो आपको ये बड़े ब्रैकेट्स के अंदर मिनट दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे एम लिख देंगे तो वो मंथ का साइन मान लेगा, ठीक है जी। तो अभी जब मैंने एच दबाया तो टोटल आवर्स बता रहा था 18 बता रहा है, अब मैंने एम दबाया तो टोटल मिनट्स बता रहा है, 18 घंटे 38 मिनट है ना, वैसे देखा जाएगा टाइम के फॉर्मेट से देखा जाए 18 घंटे 38 मिनट है, तो टोटल मिनट्स कितने हुए वो ये बता रहा है। इसी तरह सेकंड्स के लिए, सेकंड्स का कोई वो नहीं, अल्टरनेट नहीं है, तो एस से भी चलता है, नॉर्मल एस डालेंगे तो नॉर्मल वो दिखाएगा, अदरवाइज बड़े ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं एस टोटल सेकंड कितने हो गए। तो फॉर्मेट जो होता है एच कॉलन एम कॉलन एस, डबल एस कर देता हूँ, डबल डिजिट में दिखा देता, ठीक है जी, ये है, इस तरह से टाइम दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है एम पी एम, तो एम स्लैश पी एम पूरा लिखना पड़ता है आपको, तब ये आपको एम पी एम वाले फॉर्मेट में दिखाएगा। एक एम पी एम एम स्लैश पी एम लिख सकते हैं या फिर ए स्लैश पी, तो इस तरह से दिखाएगा, बियॉन्ड 24 आवर्स वाला सिस्टम जो था, तो एच को बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, एच को बड़े ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। अब ये बियॉन्ड 24 आवर्स वाला सिस्टम है, मैं इसमें अगर 35 आवर्स कर दूं और ये पीएम हटा दूं, तो ये फॉर्मेट जो है जो अप्लाइड है ये मुझे पूरा दिखा रहा है 35 आवर्स बदलेगा, ठीक है जी। ये फॉर्मेट क्यों यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए इन टाइम आउट टाइम मॉनिटर करना है आपका, किसी सिस्टम से आ रहा है, एक बंदा दो दिन पहले अंदर गया था और दो दिन बाद निकला है, तो कितने टाइम अंदर रहा होगा, इस तरह की मॉनिटरिंग के लिए, कितने घंटे अंदर रहा, कितने मिनट अंदर रहा, इस तरह से के लिए हम इस तरह के फॉर्मेट्स को यूज करते हैं, ठीक है जी। देन इसके अलावा कुछ आप लॉजिकल कंडीशनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा वहां कलर चेंज हो रहा था, मैं क्या करता हूं कुछ नंबर्स ले लेता हूं, मैं चाहता हूं ये रेड कलर के हो जाए, अब ना मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूं ना कुछ, विदाउट फॉन्ट कलर चेंज किए इसका कलर कैसे बदला जाए, तो कस्टम फॉर्मेट में भी इसका तरीका है अपने पास, बड़े ब्रैकेट में इसमें इसे रेड कलर का करना है, मैंने रेड लिख दिया, लाल कलर में हो गए, ठीक है जी। ब्लू में करना है बड़े ब्रैकेट में, ब्लू कलर में कर दिया, ब्लू लिख दिया मैंने, ब्लू में हो गया। देखिए यहां से फॉन्ट कलर नहीं चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट कलर अगर चेंज करूंगा अभी तो भी नहीं होगा, जो आपने कस्टम फॉर्मेट से सेट कर दिया तो हो गया,
कब चेंज होगा, जब मैं इसे जनरल फॉर्मेट में कर दूंगा तब ये मुझे चेंज्ड वाला दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा जो कस्टम फॉर्मेट में। ठीक है जी, देन इसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं आप, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर मैं कलर डाल रहा हूँ, ये जनरल अपने आप दिखा रहा है, इस जनरल मतलब कि कौन सा फॉर्मेट अप्लाई हो। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मेट अप्लाई हो, कंडीशंस भी दे सकते हैं। अब मैं कंडीशंस भी बड़े ब्रैकेट के अंदर दी जाती हूँ, अगर मैंने कहा अगर वैल्यू जो ग्रेटर देन 100 हो, इस तरह से कंडीशन दी जाएंगी, तो क्या करेंगे, अगर ग्रेटर देन 100 हो तो ग्रीन दिखाए, ग्रीन कलर, और अगली वाली वैल्यू एंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो देखिए क्या, ग्रेटर देन 100 वाली वैल्यू ये ग्रीन आएंगी, अभी कोई भी नहीं थी 100 से ऊपर इसलिए नहीं दिखा रही, मान लीजिए 112 लिखी तो ये ग्रीन में आ रही, इसको ब्लैक में कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। और ये डैश क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके लिए अगला फॉर्मेट तो हमने बताया ही नहीं कि अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, तो इसके लिए क्या करना होता है, सेमी कॉलन लगाना होता है। ठीक है जी, तब आपको बाकी वैल्यूज बता रहा है, तो ग्रेटर देन 100 हो तो ग्रीन हो रही है। ठीक है जी, अब क्या करना है, मैंने एक कंडीशन सेट करनी है, ग्रेटर देन 100 हो, यहां से ये बेसक से जनरल हटा दें या रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप ऑटोमेटिक लगा दें। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि ये हो जाए रेड हो जाए, ग्रेटर देन 100 या लेस देन 100 होता तो जब लेस देन इक्वल टू 100 कर देता हूं, क्योंकि अगर 100 वाली वैल्यू आ गई तो कुछ नहीं आता, तो वो लेस देन इक्वल टू 100 पे रेड हो जाएगी। ओके करूंगा तो आपको जो भी वैल्यू 100 से नीचे थी वो आपकी रेड हो गई, और जो 100 से ऊपर है वो आपकी ग्रीन हो गई। तो लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, डबल डिजिट में दिखाना होता है तो कैसे करते हैं, जैसे हम नंबर फॉर्मेटिंग से अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, हैश, जैसे मैं चाहता हूं 0.00, ये क्या करेगा, डबल डेसिमल फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अगर मैं 0 दिखाऊंगा तो भी 0.00 करेगा, क्योंकि 0 फोर्स करता है कि 0 आए। ठीक है जी, अगर मैं आगे एक हैश लगा देता हूं इसके, हैश 0.00। ठीक है जी, तो क्या है कि जैसे मैं इसमें कर देता हूं 0.1, तो जब कोई डिजिट आगे नहीं होगी तो वो 0.10 की तरह कर रहा है। देखिए पीछे वाला 0 जो है अभी भी डटे हुए हैं, ये मैंने 0.1 लिखा था और पीछे इसने 0.10 कर दिया, जहां 0 नहीं होगा वहां इंसिस्ट करेगा, जहां कोई डिजिट नहीं होगी तो 0 इंसिस्ट करेगा कि वहां वैल्यू फिट कर, जबकि हैश उसकी जगह नहीं करता है। मैं क्या करता हूँ, 0 के लिए यहां कर देता हूँ, कॉमा सेपरेटर चाहिए, उसके लिए क्या फॉर्मेट, अब डॉट के आगे 1 0 आ जाए तो कोई बात नहीं, इसके आगे 0 नहीं आनी चाहिए, 0 तभी आएगा जब यहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी, तो जब कोई वैल्यू ना हो तो 0 रहने देते, पर उसके आगे अगर मैं डबल 0 लगा देता हूं तो क्या होगा, ऑड लगेगी, 0.10 करके आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो हम देते हैं वो हैश दे देते हैं। ठीक है जी, अब 3 डिजिट के बाद कॉमा सेपरेटर लगना है, तो हैश कॉमा, हाँ अच्छा हाँ, एक और चाहिए डिजिट। ठीक है जी, तो 3 डिजिट यहां हो गई, कॉमा सेपरेटर इधर हो गया, 1 डिजिट आगे हो गई। ठीक है जी, तो अगर मैं इसमें कोई 1000 की डिजिट डालता हूं तो ये इस तरह से आपका कॉमा सेपरेटर वाला काम करता है। ठीक है जी, कॉमा सेपरेटर का काम कर दिया। इसी तरह से होता है अपना, जैसा कि मैंने इसमें कंडीशंस बताई, इसी तरह से आप इंडियन नंबर फॉर्मेट्स या नंबर फॉर्मेट कुछ अलग है तो उनको भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इंडियन नंबर फॉर्मेट लगाना है, अभी इंग्लिश नंबर्स में क्या होता है,
एक लाख लिखा मैंने तो कॉमा सेपरेटर जो है वो वही अड़ा हुआ है, जबकि इंडिया में क्या होता है 1,23,000, तो 1 के बाद भी एक कॉमा आ जाता है, तो वो इधर नहीं है। हालांकि इसकी जगह मैं 1,23,000 तक 11,23,000 करूं तो उसके बाद आता है, क्योंकि ये 1000 का सेपरेटर है, उसके बाद पकड़ता है ये मिलियन का सेपरेटर, उसके बाद बिलियन का, तो ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है जी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ कस्टम में, इसकी प्रॉपर्टी है ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर लू, यहाँ पे इस फॉर्मेट को बनाता हूं मैं कि यहाँ पे लाख से पहले आ जाए, तो क्या करेगा ये, तब भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस कॉमा की एक आदत होती है कि ये हमेशा मिलियन बिलियन पे ही असर करता, उसी के लिए होता है, उसकी तासीर को पलट नहीं सकते हम लोग। ठीक है जी, लगाएंगे तो भी गायब हो जाएगा, तो इसको लगाने के लिए आपको बैक स्लैश के साथ लगाना पड़ेगा, ये तब लेगा। बट उसमें क्या होगा कि आपका वो जो पुराना वाला फॉर्मेट है वो भी ना घुसेड़ रहा आ गया है ना। तो इनसे बचने के लिए करना क्या है, इनको कंडीशंस में सेट करना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मेट कब अप्लाई करे। यहां पे भी बैक स्लैश लगा देते हैं। ठीक है जी, पहला कॉमा था तो वो दूसरा अपनी जगह पकड़ रहा था, दोनों में ब्लैक बैक स्लैश लगा दिया मैंने। अब ये कुछ हद तक सही दिखा रहा है। ठीक है जी, दोनों में बैक स्लैश लगा दिया तो वो अपनी तासीर बदल चुका है, कॉमा अब नॉर्मल कॉमा हो गया। ठीक है जी, बट इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर यहां पे वैल्यू उससे कम हुई तो क्या करेगा, एक कॉमा फालतू का ही आगे चल रहा है। ठीक है जी, अगर यहां कोई वैल्यू नहीं हुई तो दो कॉमा फालतू के आगे चल रहा है। इनको रोक के चलना है, इनको इनको कंडीशन पे सेट करना पड़ेगा। तो कंडीशन मैं दूंगा बड़े ब्रैकेट में आगे इसके, कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000 है तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करें, अदरवाइज अपना जो नॉर्मल फॉर्मेट है हैश कॉमा हैश हैश 0.00 ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो अब नॉर्मल वैल्यू डाल रहे हैं तो भी कोई खतरा नहीं, बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो भी सही आ रही है, इससे बड़ी भी वैल्यू डाल रहे हैं तो भी सही आ रही है। बट एक इनमें फॉर्मूले लग सकते हैं है जी, इनमें अगर फॉर्मूला यूज करना चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं सम करना हो फॉर्मूले नहीं, हाँ फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सब में फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया इसको इंडियन फॉर्मेट में बदल दिया, बट ये करोड़ के लिए नहीं है, करोड़ के लिए अगर आपको डालना है तो फिर से एक कंडीशन देनी पड़ेगी आपको इसी तरीके से। ठीक है जी, तो अगर मेरे को इसमें मान लीजिए 500 जोड़ना है। ठीक है जी, अभी इनको मैं प्लस कर देता हूँ खाली, इसको और इसको, हाँ ये टेक्स्ट में जनरल में कन्वर्ट करके, ठीक है जी, ये भी टेक्स्ट में, इसको भी जनरल में कन्वर्ट करके नंबर बता। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं एडिट वाली दिखा रहा है मुझे। ठीक है सर, ऐड करके दिखा रहे हैं, और इसके आगे अगर मैं रुपीज भी लगा दूं मान लीजिए फॉर्मेट में, वो भी आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे को जब भी ऐसी वैल्यू हो तो आर एस करके ये कुछ भी लिख सकता हूँ मैं अपने मर्जी से। एक सेकेंड, स्पेस चाहिए एक्चुअली बीच में, ये चिपक के सही चलते थे। आर एस अच्छा बड़ा ज्यादा हो गया इसलिए नहीं आ रहा, तो फॉर्मेट पेंटर से सेम कर रहा हूं। देखिए फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं वैल्यू बढ़ा दूं तो भी आपका जमा घटा कर रहा है, आगे जो लिखा हुआ है वो आएगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट से आपका इंट्रोडक्शन है कि नंबर फॉर्मेटिंग से क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
काफी हद तक आप इसमें काम कर सकते हैं। इनके अलावा एक और होता है, वो खाली अलाइनमेंट के लिए होता है। जैसे जीरो और हैश मैंने आपको डेसिमल सेपरेटर बताया, इसी तरह से क्वेश्चन मार्क का साइन होता है जो डेसिमल सेपरेटर होता है। तो और मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एंट्री कर लेता हूँ। अब जैसे इनके डेसिमल में चाह रहा हूं कि एक लाइन में आए इसीलिए, तो वो क्या करता है, वो ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली इनका स्पेस रिजर्व कर लेता है, चाहे कोई वैल्यू हो ना हो उसका स्पेस जरूर ले लेगा। तो वो है जैसे हमने करा क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा तीन डिजिट आगे होने चाहिए, फिर बीच में डेसिमल होना चाहिए, फिर तीन डिजिट पीछे होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, स्पेस रिजर्व कर देगा हर एक के लिए। तो ये डॉट बीच में चल रहा है, देखिए तीन है यहाँ, इसके पीछे दो की गुंजाइश है, इसी तरह इसके पीछे एक की गुंजाइश है, जहाँ तीन आ रहे हैं वहां ठीक है, तो रिजर्व कर लेगा, ठीक है जी, जिससे ये डेसिमल आपके अलाइन हो जाते, इसका कोई खास यूज नहीं है। अब आपको ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब लिखा हुआ चाहिए कहीं भी, कि आपको पता कैसे पड़े कि ये सब सारी चीजें होती हैं। तो आपने कीबोर्ड से F1 दबाइए और यहां से दो तरह की सर्चिंग होती है, देखिए F1, एक ऑफिस ऑनलाइन से होती है, एक आपके लोकल होती है। तो ये आपको ऑनलाइन कंटेंट में मिलेगा, ठीक है जी। क्या है, कस्टम फॉर्मेट, नहीं तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अलग से मिल जाएगा। क्रिएट और डिलीट ए कस्टम नंबर फॉर्मेट, मिल गया। इसमें आपका पूरा इसके बारे में ब्यौरा दिया हुआ है, कौन सा साइन आपके विदाउट इन्वर्टेड कॉमा चल जाते हैं, डेट के लिए क्या लगाते हैं, टाइम के लिए क्या लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे वही कंडीशन की तरह की, जो रेड वगैरह मैंने करके दिखाया था, ये साइन है जो चलते हैं आपके विदाउट उसके। देन ये जीरो किस काम आता है, हैश किस काम आता है, क्वेश्चन मार्क किस काम आता है, डेसिमल किस काम आता है। कुछ एग्जांपल कि अगर आपको इसको ऐसा डिस्प्ले करना है तो कौन सा कोड लगेगा, इसको अगर ऐसा डिस्प्ले करना है तो कौन सा पोर्ट लगेगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका ये समझना आसान हो जाएगा इसको, ठीक है। फिर ये थाउजेंड सेपरेटर, ये कैसे वर्क करता है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख लीजिए, कंडीशंस कैसे चलती हैं। मैं ये मंथ डेट वाले जो कोड्स में यूज कर रहा था वो कैसे कैसे काम करते हैं, कि मंथ पे ऐसे दिखाना हो तो कौन सा कोड लगाना है, ठीक है जी। आवर्स के लिए, आवर्स मिनट टाइम के लिए आपके इसको ऐसा दिखाना है तो कैसे कौन सा कोड लगेगा, सब इसमें हर एक तरह के अलग अलग कोड है, ठीक है जी, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है सर। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ नंबर फॉर्मेट का, बाकी आपको मिलेंगे आप नेक्स्ट शनिवार, और जो टाइम आप कह रहे हैं जिस टाइम पे आज आपने शुरू किया उसी समय, ठीक है सर।